अच्छा हट जाता हूँ पाछे ने, मतलब मैंने जब ये ट्रेलर देखा तो दो तीन दिन तक हरियाणवी छाई रही मेरे को। आपको अच्छा लगा काफी है। दसवीं की आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो याद रहती हो? दसवीं में एक्चुअली मुझे एक चीज याद है कि मैं एक पेपर देना नहीं चाहती थी। I was very good boy. I still am a good boy. And I scored like the highest or like second highest in my school in Hindi and it was unbelievable because I think मैंने तो इतने marks attempt ही नहीं किए। How was it shooting in jail? हम लोग ने सब सोच के रखा था कि खूनखार लोग होंगे, दाढ़ी ऐसे यहाँ तक हुई, तो उनका सब लोग का एक ही जवाब, भाई हम तो निर्दोष हैं। तो उनका के लोग मिले आपको? हाँ, वो बहुत ही नॉर्मल किस्म के लोग थे। अच्छा हट जाता हूँ पाछे ने, मतलब मैंने जब ये ट्रेलर देखा तो मैं दो तीन दिन तक हरियाणवी छाई रही मेरे ऊपर, तो कि मतलब कि मैंने रिव्यू भी किया ना तो उसमें टूटी फूटी हरियाणवी बोलने की कोशिश की। आई थिंक शायद आपने देखा भी था, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि आपको दिखाया। तो आप में से किस किस पे वो खुमार छाया, मतलब कोई भी वो एक जो होता है कि हम कैरेक्टर में चले जाते हैं? नहीं, अगर ये कैरेक्टर में मैं थर्सडे में चली जाती तो प्रॉब्लम होती। जहाँ तक तुषार जी ने एक जो एक सीमा बनाई हुई थी, ये है ये मुझे यहीं तक ही चाहिए, तो वहीं तक बस। अच्छा जेल में आप लोगों ने शूटिंग की अभिषेक, तो हाउ वाज इट शूटिंग इन जेल? क्या डर भी लगा कि कहीं कोई, क्योंकि जाहिर है आगरा सेंट्रल जेल में डर तो नहीं लगा था? बहुत डर तो नहीं लगा था। आई थिंक एक चीज़ है, हम लोग ने सब सोच के रखा था कि खूनखार लोग होंगे, दाढ़ी ऐसे यहाँ तक होगी, देखो सब वेरी नॉर्मल बातचीत करते थे। हम लोग जब शूटिंग कर रहे हैं शॉट के बीच में अगर कहीं बैठे होते थे तो आके भैया जी कैसे हैं, क्या है। हाँ, एक दूसरी बात है कि हम लोग इंक्विजिटिव होते हैं तो पूछते भैया क्या क्या किया तुमने, तो उनका सब लोग का एक ही जवाब, भाई हम तो निर्दोष हैं। तो उनका के लोग मिले आपको? हाँ, वो बहुत ही नॉर्मल किस्म के लोग थे, और हम लोग उनके साथ उठते बैठते थे, खाना भी खाते थे उनके साथ कई बार। तो ऐसे कभी ये फील नहीं हुआ कि भैया हम एक एक सेंट्रल जेल में हैं। वहाँ का जो माहौल था काफ़ी रिलैक्स्ड रहा। अच्छा यामी, आपने पहली बार वर्दी पहनी तो? फर्स्ट टाइम यस। तो इसमें जब आप जेलर की तरह वॉक करके आती थी तो क्या वो फील था? मतलब वर्दी में कुछ तो बात होती है जो मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या थी। मतलब और मैं थोड़ा तेज चलती हूँ और उसी पेस पे ऐसे मुझे तीन चार ऐसे मुझे सल्यूट मिलते थे मुझे, और एक दिन आई टू सल्यूट बैक अंटिल आई स्टॉप। मैंने कहा ये एक सेकेंड ये मुझे मेरे लेग पुलिंग कर रहे हैं, मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है मैं तो नहीं हूँ, ये क्या कर रहे हैं। फिर मैंने उनको पूछा, नहीं मैम वो आपने जो वर्दी पहनी है ना, इट्स फॉर दैट, बिकॉज हमारे लिए ये बहुत मान की बात है, कोई भी जो भी इस वर्दी में पहने, ये वर्दी अपने आप में बहुत बड़ा एक सम्मान है। एंड और वो सच बात है, क्योंकि जब आप वर्दी पहनते हैं जो आपकी जो एक बॉडी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं एज एन एक्टर, वो किसी को देखने आप एक हद तक देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ऑफकोर्स आम जिंदगी में तो आप हम देखते ही हैं, बट द बेस्ट इंस्पिरेशन इज जो एक हम एक वैनिटी जिसे बोलते हैं ना एक एक्टर के लिए, वो है मेकअप सिर्फ कोई उसका काम हमें अच्छा दिखाना नहीं, उसका काम हमें अप्रोप्रिएट कैरेक्टर के हिसाब में ढालना, वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी होता है कि लुक क्या है कैरेक्टर का। और लुक में जो वर्दी होती है वो अपने आप ही इतनी रिस्पेक्टेबल है, और उसमें कमांड होती है कि आपके कंधे झुकेंगे ही नहीं, आप ऐसे ही रहेंगे, आप उन जूतों में यू नो इफ यू वेयर द कंप्लीट यूनिफॉर्म, इट्स सच अ मैटर ऑफ ऑनर। तो मुझे तो बहुत मजा आया रोल प्ले करके। निमृत, हरियाणवी आपने भी बोली है इसमें, ये सवाल आपसे भी और आप दोनों से भी, तो हरियाणवी के लिए किस तरह की कोई ट्रेनिंग ली या नॉर्मल खुद से ही उतनी आती थी? बिल्कुल दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं हरियाणा से नहीं हूँ तो मुझे हरियाणवी जी बिल्कुल। तो मेरी इनफैक्ट प्रॉब्लम दूसरी थी कि मुझे, क्योंकि हरियाणवी और पंजाबी थोड़ी सिमिलर हैं, उनके जो स्ट्रेसेस हैं वो दे कैन बी सिमिलर, तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं पंजाबी थोड़ी कम करूँ और हरियाणवी पे ज़्यादा ध्यान दूँ, तो मुझे उस हिसाब से ट्रेनिंग करनी थी। और हमारी बहुत अच्छी कोच थी जो तुषार जी ने हमें, ही गॉट अस द बेस्ट इन द बिज़नेस, सुनीता जी नाम है उनका, और बहुत मज़ा आया उनके साथ ट्रेनिंग करके, और तुषार जी भी हमारे साथ सेशंस में बैठते थे एंड हम लोगों ने खूब मजे किए हैं सब ने। और इनके साथ खूब सारा खाना भी खाते थे। हाँ, मेरे नहीं फिल्म में दिखेगा। अच्छा जी, उसकी वो खैर वो वजन जो बढ़ा वो अलग बात है उसके लिए, बट एक्सेंट की आप बात करेंगे तो
वो बहुत ही मज़ेदार एक प्रोसेस रहा. और बारीकी से हमने मैं अपनी बात ये कर सकती हूँ कि जितना मेरा एजुकेशनल लेवल था फिल्म में, या जितनी वो लड़की पढ़ी लिखी है, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, और उसकी धीरे धीरे उसकी आवाज़ भी फिर ऊंची होती जाती है जैसे जैसे उनको पता चलता है कि अच्छा अब यहाँ पे मैं ही बॉस हूँ, सबको मेरी सुननी है, अब मैं बर्तन वर्तन नहीं करूंगी, अब मैं नहीं, अब मैं सरकार चलाऊंगी. ऐसा जैसे हम हरियाणवी कई बार सुनते हैं अक्सर, तो दिल्ली वालों के साथ तो क्या होता है, पुलिस वाले ही आते हैं, अभी कद जा रहा है कद, तो वो एक ना सख्त लैंग्वेज है, जबकि आप किसी हरियाणवी से पूछेंगे क्योंकि यार इतनी प्यारी बोली है. तो आप लोगों को क्या लगा कि बड़ी सख्त भाषा है या किस तरह की है, क्योंकि हम तो सुनते हैं पुलिस वालों की हरियाणवी तो भाई लगता है अच्छा दूरी रहो. आई थिंक बोलने का अंदाज है पहले तो, बट फोनेटिकली जैसे अगर आप बांग्ला सुनते हैं, मुझे पता है कि अभी मैं रिसेंटली शूट कर रही थी, कुछ महीने पहले शूट कर रही थी कोलकाता में, और एक भाई साहब मुझसे ही अपनी तरह से झगड़ रहे हैं, पर मैंने बिल्कुल इग्नोर किया क्योंकि शॉट चल रहा था. हरियाणवी की बात है तो है एक रोग है, एक आता है इस लैंग्वेज में, है ना, बट वो बात उसी पे आती है आपके बोलने के अंदाज. आई थिंक हमारे देश की सबसे वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट थिंग्स, खूबसूरत बातें ही ये हैं हमारे देश की, कितनी भाषाएं हैं, हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, चाहे स्टेट होगी हो, और ये खूबसूरती है. तुषार, एक सवाल ये आपसे कि ये पूरी तरह फिक्शनल कहानी है जी, या बिल्कुल जैसे एक अभिषेक का कैरेक्टर कहीं कहीं हम पढ़ रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला साहब से इंस्पायर्ड, हालांकि उन्होंने 86 ईयर्स में किया. निमृत का कैरेक्टर कहीं कहीं राबड़ी देवी, तो दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस या आपकी लिखी हुई कहानी इसमें कोई किसी का कोई जी, ये पूरी फिक्शनल कहानी है. इट्स एब्सोल्यूट कोइंसिडेंस कि ऐसे यू नो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं या रेफरेंसेस कह रहे हैं कि हमने उनकी लाइफ से होके रेफरेंसेस लिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. और आप जब फिल्म देखेंगे तो तब ऑडियंस को पता चलेगा कि देयर इज नो सिमिलैरिटी एज सच, यू नो, एंड देयर विल बी नो मोर व्हाट डू यू से लाइक देयर विल बी नो मोर कंपैरिजंस. अच्छा, जेलर के कैरेक्टर में आपने कैसे सोचा कि यामी कर सकते हैं, बिकॉज़ यामी तो मतलब एक ओवरली स्वीट, मतलब अभी तक आपने जितने कैरेक्टर्स किए बहुत स्वीट और उस तरह के कैरेक्टर्स. थर्सडे तो अभी आई ना, बस उससे पहले की बात कर रहा हूँ. नहीं, कंप्लेंट नहीं है, ये तो अप्रिशिएशन है कि मतलब हमने यामी को ऐसे कैरेक्टर में देखा तो वी वर लाइक शॉक्ड. तो हाउ यू फेल्ट कि यामी कैन डू जी, क्योंकि वो शी इज़ अ फिनोमिनल एक्ट्रेस, देर इज़ नथिंग एल्स कि मैं उन मतलब यू नो उनकी जो फिल्में देखी है कि बहुत स्वीट कैरेक्टर प्ले किया है, बट व्हाट आई कुड सी इवन थ्रू दो स्वीट कैरेक्टर्स वाज दैट शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड यू नो शी कुड पुल ऑफ दिस रोल. तो मेरी पहली और आखिरी चॉइस यामी थी और उन्हें हमने कहानी सुनाई एंड शी केम ऑन बोर्ड एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट शी डिड. अच्छा अभिषेक, हमने सुना कि इस फिल्म के गाने में सुना क्या आप ही ने बताया था, आराध्या का भी कुछ योगदान है, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया था? उन्होंने बस कहा था कि उन्हें गाना बड़ा पसंद आया था, बैकग्राउंड सॉन्ग हम लोग बोलते हैं हमारी फिल्मी भाषा में, बैकग्राउंड सॉन्ग है, तो उन्होंने कहा कि इसका एक वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं आप, क्योंकि उन्हें देखना था. और हम सबको लगा कि ये एक आइडिया अच्छा है, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि जब तक आप किसी गाने के विजुअल्स ना देखें रिकॉल इतना नहीं मिलता है आपको. तो थैंकफुली तुषार ऑल्सो फेल्ट द सेम, ही सेड हाँ ये आइडिया अच्छा है तो क्यों ना इसको एक वीडियो बनाए. अच्छा, एक चीज़ और अभिषेक, OTT पे अभी आपकी भी कई चीज़ें आई एंड बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट भी किया गया, सो डू यू थिंक कि OTT कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसने सिनेमा को ओवरटेक किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, और ना ही करेगा, ना ही करना चाहिए. ये जो एक डिस्कशन है, डिबेट है हमारे सिनेमा को लेकर, ये कई सालों से चले आ रहा है. पहले हुआ टेलीविज़न के साथ जब दूरदर्शन था कि अभी भैया कोई सिनेमा नहीं जाएगा, सब गए. फिर आया केबल टीवी, अरे भैया अभी तो सब घर पे ही बैठ के देखिए, सब सिनेमा में आए. फिर उसके बाद सैटेलाइट टीवी, फॉरेन चैनल्स हमें यहाँ अपने घरों में देखने का मौका मिला. अभी तो भैया अभी खैर नहीं, क्योंकि अभी सब ये जो फिल्में हैं एक दो महीने के बाद तो टीवी पे आ जाते हैं, तो कोई नहीं जाएगा. फिर भी गए, अभी OTT प्लेटफॉर्म आ गया है. हाँ जी, हालांकि पिछले दो साल में
लॉकडाउन के वजह से सिनेमाघर सब बंद पड़े थे, सब लोग OTT को यूज़ कर रहे थे क्योंकि सारे फिल्म्स उस पर दिख रहे थे। अभी भैया सिनेमा का खैर नहीं, अभी तो ख़त्म हो गया, OTT ने ओवरटेक कर लिया है। अगर आप हाल ही में देखें पिछले 6 महीने में कितनी फिल्मों ने कितना बिजनेस किया है। पिछले हफ्ते RRR रिलीज़ हुई है, सुनने में आया है कि बहुत ही अच्छी बिजनेस करी है। कश्मीर फाइल्स को देखिए, बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहा है। गंगूबाई, सूर्यवंशी, पुष्पा, इतने सारे फिल्म्स हैं, सिनेमा कहीं नहीं जाने वाला। इसके साथ साथ OTT का जो माध्यम है वो भी चलते जाएगा। मुझे क्या लगता है, इन माई वेरी हम्बल ओपिनियन, कि एक हल्का सा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा कंटेंट में। टेलीविजन में एक किस्म का कंटेंट लोग देखना चाहेंगे, OTT में भी ढेर सारे OTTs हैं, उसमें भी फिल्ट्रेशन होगा। जैसे कि अगर आप नेटफ्लिक्स को देख लें, उसका एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पेट्रनेज होगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, Z5, तो अलग अलग ऑडियंसेस अलग अलग किस्म के OTTs को पेट्रनाइज करेंगे। बस यही होने वाला है और हम यही चाहेंगे कि ये सब साथ साथ ही चलते रहें, क्योंकि इससे अच्छी बात क्या है और हो क्या रहा है कि इसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट हो रहा है और इसके साथ साथ ढेर सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस, खास करके एक्टर्स को मौका मिल रहा है कि वो जो अपना काम है, अपनी जो कला है वो दिखा सकें। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट आई डोंट थिंक कि OTT थिएटर्स को ओवरटेक करने वाला है और ना ही थिएटर्स OTT को बैठाने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब साथ साथ चलेंगे। दसवीं की आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो याद रहती होगी? दसवीं बारहवीं हम सबके लिए बड़ी खास होती है, बोर्ड एग्जाम्स, तो कुछ ऐसा जो याद होगी? दसवीं में मेरे साथ ऐसा हुआ था। दसवीं में एक्चुअली मुझे एक चीज़ याद है कि मैं एक पेपर देना नहीं चाहती थी, तो मुझे किसी ने बताया था कि आप प्याज को काट के और अपनी यहाँ पे रख के पूरी रात ऐसे सो जाए तो आपको बुखार हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये और ऊपर से मतलब फिर आप प्याज की तरह, यू नो, यू आर स्मेलिंग लाइक एन अनियन। बट मैंने बहुत कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ था। और फिर मैंने तो खैर पूरी रात नींद भी नहीं आई, उसी चक्कर में अपना फीवर ही चेक करती रही, कुछ नहीं हुआ। पेपर भी देना पड़ा, कुछ नहीं हुआ था। तो दसवीं बेसिक, ऐसा आई एम श्योर सभी एग्री करेंगे, एक ऐसी क्लास होती है, ऐसा टाइम होता है जिसके लिए ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी आप दसवीं के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जब आप सिक्स में आते हैं, 4 साल, 4 years, 7, 3, 2, 1 and 10, पर एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आया था दसवीं। अभिषेक, आपका कुछ दसवीं का, ये तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो हो ही गया, वैसे दसवीं क्लास का कोई कुछ याद इनकी तरह कुछ प्याज या नहीं? हिंदी का पेपर था एंड 80 मार्क्स का होता था, बिकॉज 20 मार्क्स प्रोजेक्ट होता था, यू नो, एंड ICSE बोर्ड, तो हाँ, तो 80 मार्क्स का पेपर दिया और एंड आई मिस्ड वन होल एनोटेशन, यू नो, जो होता था कि 16 और 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते थे, तो मैंने एनोटेशन लाइक सेम टॉपिक इन उसके ऑन दैट पैराग्राफ विद चैप्टर इट इज आउट ऑफ एंड देन यू आंसर अकॉर्डिंगली। तो मैंने गलत चैप्टर के आंसर्स लिख दिए, तो टेक्निकली आई हैव आंसर्ड फॉर 60 मार्क्स नो, पर जब रिजल्ट आया आई हैव स्कोर लाइक 19 हिंदी। हाँ, वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्क्स होता था, सो और मुझे लगा कि मैं फेल होने वाला हूँ। 90s एंड आई स्कोर्ड लाइक द हाईएस्ट और लाइक सेकंड हाईएस्ट इन माय स्कूल इन हिंदी एंड इट वाज अनबिलीवेबल बिकॉज़ आई थिंक मैंने तो इतने मार्क्स अटेम्प्ट ही नहीं किए। वाह। अच्छा अभिषेक, आपने स्क्रीनिंग भी की आगरा सेंट्रल जेल में एंड यू प्रॉमिस्ड कि आप करेंगे, सो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस फिल्म को देखने के बाद और भी जो कैदी हैं इंस्पायर होंगे कहीं ना कहीं, जो एजुकेशन एम्पावरमेंट ऐसा हुआ है जी, वही आपसे जानना चाहूंगा। शूटिंग ख़त्म करने के बाद जब हम लोग वापस अब मुंबई गए थे और लॉकडाउन फिर से सेकेंड लॉकडाउन हो गया था, एक दिन तुषार का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि खुशखबरी है, जेल के जितने सुपरिंटेंडेंट थे उन्होंने तुषार को शायद फ़ोन करके बोला था कि जेल में से शायद 10 या 20 कैदी जो हैं
उन्होंने ये हमारी शूटिंग देखने के बाद ये तय कर लिया कि वो भी अपना 10वीं देना चाहेंगे, और उसकी पढ़ाई कर रहे थे वो लोग, और अभी बता रहे थे कि शायद उनमें से 20 में से शायद 10 पास भी हो गए, तो प्रभावित हो गए उन लोग, ने कहा कि हम लोग भी करना चाहते हैं। अभी ट्रेलर ही आया है तो ये असर है, और मुझे उम्मीद है कि फिल्म जब आएगी तो कमाल करेगी। बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, फैमिली फिल्म है, सब एक साथ बैठकर देखें। ओटीटी पर आ रही है, लेकिन आपको अलग से जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। बिल्कुल, देखिए चौधरी साहब की जो धमक है उस फिल्म में अच्छे से दिखेगी, और सारा का सारा एप्रिसिएशन भी था, बिकॉज मुझे पर्सनली ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा, काफी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।